डम्पलिंग्स या पीठे बनाने के लिए हमें गरम मसाला, थोड़ी सी जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हींग, थोड़ा सा हल्दी और मिर्च पाउडर। मैंने ये मिक्सचर पहले से तैयार करके रखा है। मैंने नमकीन डम्पलिंग्स बनाने के लिए चने की दाल को 5 घंटे के लिए भिगो के छोड़ दिया था। उसको फिर ग्राइंड करके इन सारे मसाले को चने की दाल में मिक्स करके इसका मिक्सचर तैयार कर। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर लेना है। मीठे डम्पलिंग्स या पीठे बनाने के लिए मैंने अलसी को कढ़ाई में भून के उसका पाउडर तैयार कर लिया और गुड़ का लिक्विड फॉर्म तैयार करके उसमें आप अपने अनुसार मिक्स कर लेंगे इसका मिक्सचर। दोनों को मिला के इस मिक्सचर को ऐसे तैयार कर लेंगे। आटा तैयार करेंगे, इसके लिए हमें 1 कटोरी चावल का आटा चाहिए। जिस कटोरी के नाप से आप चावल का आटा ले रहे हैं उसी कटोरी के नाप से 2 कटोरी पानी बॉयल करना है। जब इसमें उबाल आ जाए फिर हम इसमें चावल का आटा ऐड करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि इसमें गांठें नहीं पड़नी चाहिए। इसको लो फ्लेम पे 4 मिनट तक पकाया और इसको गैस बंद करके ढक करके जब तक ये ठंडा ना हो जाए तब तक इसको ढक के छोड़ दें। मैंने इसको ढक के रख दिया है। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसका आटा लगाऊंगी। अब हम आटा लगाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह आटा लग गया है और मैं इस तरह से छोटे छोटे गोली बना ली हूँ और फिर ये मिक्सचर को इस गोली में तैयार करूँगी और तैयार करके फिर इसको स्टीम करने के लिए 5 मिनट के लिए स्टीम करके, और मैं इन मिक्सचर को इसमें ऐसे फिल कर दूँगी। इस तरह से मैं सारे मिक्सचर को इस तरह से फिल करके, आप इसको किसी भी डिज़ाइन या शेप में फिल कर सकते हैं, यह आपकी मर्जी है, आप अपने अनुसार। और इस तरह से मैं सारे फिल करके तैयार कर लूँ। हमारे पीठे स्टीम होके तैयार हो गए हैं। आप इसको किसी भी डिज़ाइन में बना सकते हैं, यह आपकी मर्जी है। इस तरह से हम जैसे हमने दाल के पीठे बनाए थे नमकीन वाले, उसी तरह से हम मीठे वाले भी पीठे बना करके स्टीम करके तैयार कर लें। मैं दाल वाले पीठे को अब मैं फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने गैस ऑन कर लिया है और इसमें थोड़ी सी घी डालूंगी, थोड़ा सा जीरा, कड़ी पत्ता, थोड़ी सी मिर्च पाउडर और इसमें मैं पीठे को ये फ्राई होके रेडी हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा काला नमक छिड़क दूंगी। मेरा बन गया है। हमारे नमकीन पेठे तैयार हो गए हैं। आप इसको मोमो की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, खाने में टेस्टी है। ये इंडियन मोमो है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और ये हमारे मीठे पे